तो सर नवरात्रि के लगते ही, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली वाला जो टाइम होता है ना, पूरे साल भर का मेरा फेवरेट टाइम होता है। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है, दुर्गा पंडाल वगैरह बनाए जाते हैं दशहरे के लिए, तो मेरा ये फेवरेट टाइम है। मैं बाज़ार गई थी तो मुझे मार्केट में मेरी दो फेवरेट बचपन की चीज़ें दिख गई, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। इसमें से कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। खैर छोड़िए, मैं बता देती हूँ, ये है चूरन, जो कि स्कूल के टाइम पे छुट्टी के वक्त हमें स्कूल के गेट के बाहर मिलता था। बाहर निकलते ही हम सब इसी का इंतज़ार करते थे। तो आप में से कितने लोगों ने खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक तो ये मेरी बचपन की याद, दूसरी इसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और चीज़ मिल रही थी जो कि मेरी बचपन से फेवरेट है, हालांकि वो अभी भी बहुत सारी जगह पर दिख जाती है, बट ये चूरन रेयर है, मैंने बड़े सालों के बाद देखा था। दूसरी मेरी फेवरेट चीज़ है ये अनरसे की गोलियाँ। अनरसा कई तरीके का होता है, उसकी पूरियाँ भी होती हैं। यहाँ पे ये भैया पूरी और गोलियाँ दोनों ही बेच रहे हैं। अनरसे बेसिकली चावल के बनते हैं, चावल और तिल के साथ चीनी मिला के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पारंपरिक डिश होती है। मैंने अपने कुकिंग यूट्यूब चैनल पर सिखाया है, अगर आप देखना चाहते हैं इसकी फुल रेसिपी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दिवाली टाइम पर स्पेशली ये बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो ये मिल गया मुझे, तो आप में से कितने लोगों ने अनरसे खाए हैं और पसंद है मुझे कमेंट करके ये भी बताना ना भूलें। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा पंडाल बनने की तैयारी है, बहुत ही भव्य तरीके से हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है। और दोस्तों ये चावल के आटे, चीनी और तिल का आटा लगा के रखा गया है, जिसकी गोलियां बन के तैयार है। ये देखिए इस तरीके से दिखता है कुछ। चावल को धो के धूप में एक बार सुखा के फिर पीस के, उसमें लंबा प्रोसेस होता है, बट अनरसे की गोलियां इसी तरीके से बनती हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है ये इंडिया की। आई एम श्योर दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको भी अपने बचपन की याद आई होगी, तो उसी याद के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप ही जैसे और दोस्तों तक इस तरीके के वीडियोस पहुंच पाए। साथ ही में अगर आप मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसको फॉलो करें इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।